हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी में। मैं आरशी, और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ लाई हूँ एक मेकअप रिमूव करने का ऐसा तरीका जिससे जो आपके फेस पर है मेकअप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही अगर आप अपना मेकअप को रिमूव करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो हेल्दी ग्लोइंग देखने को मिलेगी। और आपको जो ये टोनर बनाना है, मेकअप रिमूवर टोनर, ये आपको अपने घर में अवेलेबल चीज़ों से जो है बनाना पड़ेगा, और ये बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे जो है आप इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम मेकअप रिमूवर टोनर बनाने के लिए हमने लेना है यहाँ दूध। दूध जो है हमने कच्चा दूध लेना है। दूध जो है बेहतरीन क्लींजर का काम करता है, साथ ही अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कच्चा दूध जो है। आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र या लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने लिया है नीम सोप। नीम सोप जो है रैशेस पिंपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसमें जो है एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जिसके चलते जो आपके मेकअप से नुकसान हुए हैं वो ठीक होंगे। तो हमने नीम सोप लेना है। नीम सोप को हम कद्दूकस में क्रश कर लेंगे। हमने थोड़ा सा ही नीम सोप लिया है यहाँ पर और इसको क्रश कर लिया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। कच्चा दूध जो हमने लिया था इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमें इसे थोड़ी देर तक रहने देना है ताकि जो इसमें सोख ले और इसमें सोप मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा टीस्पून हल्दी का। गाइस, यहाँ पे हमने हल्दी का यूज़ इसलिए किया है, मेकअप की वजह से जो आपके ओपन पोर्स हैं इसमें मेकअप चला जाता है जिसकी वजह से आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हल्दी जो है उसको ठीक करती है। यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटा टीस्पून ऑफ हल्दी। हल्दी डालने के बाद जो हम इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा जो मेकअप रिमूवर टोनर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। जी हाँ, मैंने यहाँ पे जो है बेस मेकअप किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेकअप रिमूवर टोनर है। यहाँ पे मैंने लिए कॉटन में जो है टोनर को डिप किया है। इसके बाद जो मैं अपने फेस पर इसको लगाऊंगी और इसी की हेल्प से जो अपने बेस मेकअप को मैं उतारूंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको उतार रही हूँ। हल्के हाथों से जो आपको बेस को निकालना है। सारा का सारा इसको निकालने के बाद मैंने लिया है यहाँ पर वैसलीन। वैसलीन का यूज़ इसलिए किया है मैंने यहाँ पे, जो गाइस मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है वो मैंने मैट लिपस्टिक यूज़ करी है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैंने वैसलीन का यूज़ किया है। पहले जो है मैंने वैसलीन लगाई है। वैसलीन लगाने के बाद मैंने कॉटन ली है। कॉटन को जो है मैंने टोनर में डिप किया है। इसके बाद जो है मैंने इसको लिप्स से साफ़ किया है। इसको साफ़ करने के बाद जो है मैंने अपने लिप्स पर जो है वैसलीन लगा ली है, क्योंकि आपके होंठ जो है वो काफ़ी सूख जाते हैं लिपस्टिक यूज़ करने के बाद, मैट लिपस्टिक यूज़ करने के बाद, तो आपके जो होंठ है वो मॉइस्चराइजर रहेंगे और सूखेंगे नहीं। आप जो इस टोनर का यूज़ मेकअप रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आप बाहर से केमिकल युक्त टोनर लेते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, और जो हम चीज़ बनाते हैं वो घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं, हेल्दी चीज़ें होती हैं। तो आप भी जो है इसका यूज़ करें और आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मेकअप से आपकी जो प्रॉब्लम हुई है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप भी जो है इसका यूज़ करें और रिजल्ट जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।